देखो ये शहरों वाला स्विट्जरलैंड हमने बहुत देख लिया, अब हमने जाना इंटरलाकन और असली वादियों की तरह स्विट्जरलैंड की। तो मैंने सैंड्रा को बोला कि ना रस्ते से अवॉइड टोल वाला ऑप्शन डाल और हाईवे हटा, गांव के बीच में से होते हुए निकलेंगे, ऐसे रस्ते जो मैंने पिछली बार नहीं देखे। तो वो जरा आज की वीडियो में और शुरुआत करी जाए उस जगह की जिसको एक तरीके से जन्नत का टुकड़ा भी समझा जाता है, इंटरलाकन स्विट्जरलैंड की तरफ, इसकी नेचुरल ब्यूटी की तरफ। ये जरा जी हाईवे, हम नीचे उतर आए, हम चल रहे हैं ये 17 छोटे छोटे गांव बसावट आती रहेगी, इनसे बोलते मिलते जाते रहेंगे। वाह जी वाह 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 वा। क्या नजारे आए हैं माता जी। निकला फिर मुंह से वाओ, निकल गया वाओ। टोल ज्यादा जी, यहाँ पे जो है ना लकड़ के स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा जर्मन स्टाइल वाले आपको दिख रहे होंगे, मगर आमतौर पे जब बंदा यहाँ आता है ना तो वो उसको देख के ये पता लग जाएगा कि हाँ जी ये स्विस स्टाइल आ गया। शैले जो है सारी की सारी वुडन जितनी हो सकती है। क्या फीडबैक है भैया, फिर स्विट्जरलैंड पता लग गया कि स्विट्जरलैंड पहुंच गए? स्विट्जरलैंड की जो स्टार्टिंग हुई है, स्टार्टिंग से पहले ही उसकी सीनरियां, उसकी खूबसूरती पहले से नजर आनी स्टार्ट हो जाती है। हाँ। उसके बॉर्डर के आने से पहले ही, सही बात है, जैसे जैसे आप एंटर करते जाओगे उसकी खूबसूरती बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, तो इस समय काफी हद तक हमने यूरिक क्रॉस कर लिया है। यूरिक क्रॉस करने के बाद ये मोहित ने विलेज में से लिए, और विलेज का कहने का विलेज है ये, लेकिन बहुत बढ़िया। How's your experience doll first time Switzerland? It's really pretty. I told you. Yeah, it's the mix of the mountain, the cute arms and the green that is so good. Yeah, there is no other place in the world like this, I'm telling you. Other places we've been to, Austria also, so many other mountain places, Alps, different. But Switzerland ki apni ek alag hi vibe aur signature hai jo pata lag jata hai jo duniya mein aur kahin nahi hai. Nikla, wow. Every few minutes, everyone will be like, wow, wow, I'm telling you, you didn't believe me. He said, Switzerland overrated. I said, chal to sahi ek bar, fir dekhi overrated hai ki nahi. It is expensive, but it is definitely not overrated in so many ways. Maybe in some ways, but not in every way. Okay? Oh, tangi aage tanga. क्या लिद की खुशबू आई है, मैंने शीशा खोला एकदम लिद की खुशबू आ गई। खिड़कियों का स्टाइल यही है, ढेर सारी और छोटे छोटे पल्ले, बाकी जहाँ दूर से ऐसी चोंच नजर आ जाए ना समझ लो एक छोटा गांव आने वाला है, ऐसे सेंटर में चर्च बने रहते हैं। चलो वी आर गोइंग लेफ्ट टुवर्ड्स जुग एंड चैन, बड़ी सुंदर का चर्च आया, और साथ में मुझे लगता है घास घूस की कटाई वटाई चल रही है, बड़े औजार लगे क्योंकि भैया इतनी जमीन है तो उनको कुछ तो ऐसे ही लगाना पड़ेगा ना करने के लिए। लुसर्न की तरफ जाते हो ना ज़ूरिक रास्ते में भी एक छोटी सी सिटी पड़ रही है चैम करके, हल्के से डिटोर पे है, हमने कहा चलो चैम भी देख लेते हैं। तेल का रेट देखे जी क्या लगा हुआ है यहाँ पे, डीजल 1.99 महंगा हो गया, पेट्रोल से महंगा हो गया, अनलाइक जर्मनी एंड फ्रांस। और अभी हम गांव में हाईवे वगैरह जाएंगे तो ये 2.2, 2.5, 2.10 तक भी जा सकते हैं। ये थोड़ा मॉडर्न और थोड़ा विंटेज का मिक्सचर है ये सिटी, पुरानी बिल्डिंगें टूटी होंगी उनकी जगह नई बना दी होंगी, थोड़ी सी इसकी वाइब कम है स्विस वाली, बट ठीक है। पीछे हो रहा चर्च, मेरे ख्याल से मॉडर्न हिस्टोरिक सेंटर ना, मॉडर्न वो हिस्टोरिक सेंटर अंदर होगा। क्या चीज है यार। चलो जी लुसर्न तो पहुंच गए, मगर ये तो ज्यादातर रेजिडेंशियल वाला इलाका है अभी। अब जी हमने पार्किंग ढूंढनी है, ट्रेन स्टेशन तो आ गया, अब कहीं भी मिल जाए, इसके आसपास ही सारा जो है ना सुंदर वाला एरिया। ये
ये है जी लुसर्न का स्टेशन, पार्किंग 16 स्लॉट्स अवेलेबल P1, दिस इज गुड, लेट्स गेट इन। ओके जी पार्किंग आ गई, चलो जी वेलकम इन लुसर्न तो हो गया। हाँ जी माता जी स्वागत है जी। हाँ जी माता जी, तो बेसिकली लुसर्न जो शहर है ये बड़ी प्यारी सुंदर झील के किनारे बसा हुआ है जो आपको सामने दिखाई दे रही है, मगर इसका एक हिस्टोरिक ये ब्रिज भी, इसको चैपल ब्रिज बोलते हैं, इसको क्रॉस करते हुए चलते हैं। सामने अंदर हिस्टोरिक ओल्ड टाउन भी है और यहाँ से बहुत सारी बोट राइड्स भी जाती हैं, बड़ी खूबसूरत सुंदर सुंदर नीले नीले पानी में टर्कोइज एकदम। 5 ये सफाई देख लो भाई जी, जबरदस्त पूरा नीचे बेस देख रहा है। माता जी से सिक्का फेंकोगे ना ऊपर से दिख जाएगा कौन सा साल का है वो अलग बात है, 5x zoom पे। ये स्टेशन की मेन वॉल है, जब मैं लास्ट टाइम लुसर्न आया था ना मम्मी, तो यहाँ पे स्विट्जरलैंड में क्या होता है अगर आप होस्टल वगैरह में रुकते हो ना होटल में भी, तो वो देते हैं क्या कहते हैं एक पर्ची जिसके अंदर की उस शहर की बस इंक्लूड होती है कई बार। अच्छा। तो मैं बस से फ्री में अपना मैंने होस्टल में लगाई थी गाड़ी, रात को सुबह जो है बस से आया शहर घुमा, बस पकड़ी वापस गया, गाड़ी उठाई और निकल गया था इंटरलाकन की तरफ। ये जो ब्रिज है ना माता जी वुडन हिस्टोरिक, यहाँ भी बड़ी जो है मूवीज वगैरह की शूटिंग हुई, यहाँ अभिषेक बच्चन को मैंने खूब नाचते हुए देखा है यहाँ पे। हाँ चलो जी माता जी के वो हिस्टोरिक ब्रिज पे ले जाएं, उसके बाद लुसर्न की हमारी छोटी सी ट्रिप खत्म, क्योंकि हमने आगे जाना है भाई इंटरलाकन साइड। ये पेंटिंग्स बनी हुई है पर बहुत ही सालों साल सदियों पुरानी, कहते तो माता जी 13th सेंचुरी के आसपास। हाँ और जो ये पेंटिंग पेंटिंग आर्ट बना हुआ है ऊपर, ये कहते हैं 17th सेंचुरी के आसपास का आर्ट है, क्योंकि आप स्टाइल देखो ना कैसे इंट्रिकेट लकड़ जो है एक दूसरे के अंदर जुड़ी हुई है इसको ब्रिज की छत को रूफ को बना के होल्ड करने के लिए। बाद में ऑब्वियसली मेंटेन तो करी होगी, नहीं पूरा ही लकड़ा है मम्मी सब कुछ A to Z। ये भी वो झील दिख रही है ना आगे, ये इतनी बड़ी है कि यहाँ से ना लोग बोट बस की तरह लेके इसके किनारे के बाकी दूसरे शहरों पे जाते हैं। लुसर्न तो मैप पे बहुत छोटे से कोने में बसा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखा ना यहाँ पे है, तो ये झील देख रहे हो कहाँ तक जा रही है। अच्छा ये यही वाली है, ये यही झील है, ये लुसर्न है, ये दूसरा शहर आ गया, ये तीसरा आ गया, ये चौथा आ गया, ये 5 है, घूमते हुए देखो कहाँ तक जुड़ रही है, ये तो कितने बड़े बड़े शहर इतने किलोमीटर में फैली हुई है, बड़ी बड़ी झीलें हैं। ये आ गए हिस्टोरिक ओल्ड टाउन, बेन में ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं फाउंटेन, पर यहाँ पे भी एक ये बना हुआ रखवाला शहर का, और यहाँ से भी पानी ऑब्वियसली पीने लायक है। गलियों में से निकल निकल के बेसिकली बंदा पहुंचता है ऐसी, ओ लगता है वो चल रही है बैचलर पार्टी। सुंदर इलाका, और ये रही हमारी माता जी देख रही है कौन लोग जा रहे हैं भाई वो बैचलर पार्टी टाइप लग रही है मेरे को, और भी हो सकता है। हाँ भैया स्विस चॉकलेट, बेटा स्विस चॉकलेट देख ले आजा, ये देखो साई लग रही है यहाँ वाइट वाली देख रहे हो, मन तो कर रहा है दधी चुकी जाओ सारी की सारी। पर एक बात बताऊं 32 यूरो लिखा हुआ है, वो जो अंदर पड़ी ना छोटे छोटे गोले रसगुल्ले टाइप, ये भी 1.5-2 यूरो का एक होता है, थोड़े महंगे हैं। नहीं वो देखिए जो पड़े हैं ये 30 का पैक है, पहले तो अंदर जाएगा ना खुशबू सूंगा, अंदर आओ। हमने कहाँ से लेनी है? यहाँ से ले सकते हो आप, ये मैं बहुत प्रीमियम है मगर रीजनेबल, तो सीधा गांव से उठाएंगे मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है फिर वहाँ उठाएंगे। मैंने ये वाला ट्राई किया लड्डू, उस टाइम एक ही रोका था, ये लेने को ये ली जा सकती है, इसके अंदर ना सारी अलग अलग तरह की है, पिस्ते पुस्ते डाल के जो सी मर्जी ले लो, मगर व्हाइट नहीं है यार, चॉकलेट कोटेड पॉपकॉर्न 12 यूरो 46 का डब्बा होगा, ये वाली कितने की है यार 43 भाई जी जितना अंदर रहे उतना जी मचलाता रहता, कंट्रोल करके बाहर आ गए, 4000 की चॉकलेट नहीं खा सकते भाई, बहुत महंगी है। भाई साहब घंटियां बज गई 5 बजे, हम अभी ग्रोसरी में घुसे थे, सारी दुकानें धड़ 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 करके गेट बंद, पंक्चुअलिटी भैया घर जाओ सो इनका यही है। आगे जो हमने ग्रोसरी पे जाना है वो बड़े शहरों में तो मतलब वहां खुली होंगी, सिटी का रूल होगा यहाँ पे 5 बजे बंद, क्योंकि थोड़ा ना फैमिली टाइम को थोड़ा ज्यादा वैल्यू भी देते हैं, सैटरडे के आपने दो शहर तो देख ही लिए, स्विट्जरलैंड के शहर खत्म, अब अंदर चलते हैं। ठीक है की बनी ज्यादा नहीं बनी, 500 फिर भी लग गए, बट नॉट एज मच एज यू एक्सपेक्टिंग, पर हम बहुत कम देर के लिए बाहर थे। बाय बाय लुसर्न सिटी,
चलो जी इंटरलाकन की तरफ का रास्ता शुरू। हमने जी फिर अवॉइड टोल डाल दिया, अवॉइड हाईवे, ये कुछ अलग टाइप के से घर आ गए। आगे हम डिफरेंट टाइप के गांव में से जाएंगे। सारे गांव के चौराहों पे जो है ना, इन्होंने ईस्टर एग वगैरह लगा दिए अलग अलग जगह। बहुत लोग जो है ना साइकिलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, मौसम खुल गया ना इसलिए। स्टैंडर्ड है ये, ऐसे स्टाइल और ऐसी खिड़कियां बनी हुई हर जगह छोटे छोटे पल्लों के साथ। हाँ जी इंटरलाकन ऑलमोस्ट पहुंच गए, मगर पहले सबसे जरूरी काम, क्योंकि आज रात को हम रुक रहे हैं B&B और खाना वाना रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ बहुत महंगे हैं, तो इसलिए ग्रोसरी पे जा रहे हैं लिडल, जो कि सबसे सस्ती ग्रोसरीज में से एक है, वरना कूप और एक और है मिग्रो, जो कि काफी महंगे है। वाह वाह कन्वर्टेबल के मजे, बट अपन जरा लिडल। क्या रिपोर्ट है भैया, महंगे के सस्ते हैं के बराबर है, सेम ही है? और कुछ नहीं तो अपने को ना ये समझ आ गए कि 5 यूरो में ये 3 पिज्जा का पैक मिल रहा है। मार्गरीटा भी है, सलामी भी है, इनके अंदर अपना बढ़िया काम हो जाएगा अपना फिलहाल के लिए इमरजेंसी। अब यहाँ पे ली जा रही है चाय, फ्लेवर्ड है अर्ल ग्रे चलती है, अर्ल ग्रे ली जाती है, ब्लैक टी वही है जो हम यहाँ पे लेते हैं। हाँ अर्ल ग्रे ले लोगे आप, क्योंकि होटल में भी ये फ्लेवर मिलते हैं। अच्छा ये लिया है भाई रक्षिता ने, बाकी ब्रेड दूध पिज्जा काफी माल हो गया अपना। सेब हो गए, जरूरत का सामान तो हो गया थोड़ा थोड़ा। अंडे अंडे वगैरह सेंटर ने ले लिए है, और वो पास्ता भी ले रही है उसको रक्षिता, और वो पास्ता खा लेंगे आज। ये नहीं ये सेंटर ने लिया है ये ना, उसके साथ उबाल के। अच्छा इसके अंदर पता नहीं कोई चीज स्पिनच वगैरह होती है, सॉस के साथ खाते हैं, इटालियन सॉस के साथ। ये भी मनी लॉर्ड नेल्सन 85 सेंट। भाई जी ये इंडिया में दुबई में ड्यूटी फ्री में 300-400 रुपए की मिलती है, यहाँ पे 1.85 की मिल रही है। स्विस है क्या जो सस्ती है, लिखा भी तो सब जर्मन हुआ मेरे ख्याल से। बाकी है जो हम इंटरलाकन में, मगर इस बार B&B मैंने लिया लाउटर ब्रूनन में, क्योंकि वहां पे थोड़ा रेट भी सही मिल रहा था, जबकि वो जगह थोड़ी प्रीमियम है। यहाँ से बिया 15 मिनट के आसपास। संतरा खा लो। हाँ संतरा खाओ। कुरकुरे टर्न लेफ्ट ऑनटू द स्ट्रासा रूट 6। चीट हो जाएगा। चलो जी इंटरलाकन को भी फिलहाल के लिए हम बाय बाय करते हैं, यहीं पे कहीं स्टैचू लगी हुई है यश चोपड़ा जी की। वो आ गया ये सामने भी है लाउटर ब्रूनन का फाउंटेन, यहाँ से वैली शुरू हो जाती है। मैंने इसलिए रोकी है कि वैली अंधेरा हो गया, पर चांस ले लेते हैं ड्रोन उड़ाने का, क्या पता आ जाए, बाकी तो सुबह तो लेंगे। चलो जी ओके, लोकल आ गए थे उन्होंने उड़ाने दिया, उन्होंने कहा पुलिस आ जाएगी पंगा मत लो, तो इसलिए यहाँ तो नहीं उड़ा रहे, और पुलिस स्टेशन यहीं पे है पुलिस लिखा हुआ है इधर, तो इसीलिए सीधा ही चलते हैं। बट आने वाला है बस हमारा बिल्कुल इस सेंटर में, बढ़िया जगह पे है। ओके देयर शुड बी समवेयर हियर ओनली, आई थिंक इज द वन राइट इन फ्रंट ऑफ। या आई थिंक सो, इट्स दिस वन राइट इन द मिडल आई थिंक। Your destination is on the right. तो जी पहुंच गए, ये रहा बिल्कुल ही लाउटर ब्रूनन के बीच में, मतलब वो बड़ी कमाल की जगह है, ये बड़ा खूबसूरत चर्च है। ड्रोन तो उड़ानी पे, पीछे से एक लोकल आ गया जर्मन, बोले वो कह रहा पुलिस पुलिस। मैंने कहा यार इसी की बात मान ले, फिलहाल वैसे ही अंधेरा बहुत हो गया, चासने वाली बात थी। अब भी ऊपर देखने गए एंट्री है, एनजी अपार्टमेंट, मेन एंट्री यहीं से है।
हाँ तो फिर एंट्री यही है। ओके डॉल कम एंट्री इज देयर। चलो ये रहा हमारा अपार्टमेंट एनजीज अपार्टमेंट। पीछे सरदार जी वगैरह घूम रहे हैं, हमें वो देख के असल में कुकर लेके जा रहे हैं। बजाएंगे कुकर। ओके तो यहाँ पे जी है हमारा नाम लिखा हुआ मोहित अपार्टमेंट 3 स्टेयर अप। ओके तो हम टॉप फ्लोर पे नहीं है, एक फ्लोर नीचे भी। इसको उठाना बहुत भारी है। तो दोनों मिनट उठाया है। एक मिनट एक मिनट, पहले सारा सामान अंदर ले आऊं मैं। पार्किंग मुझे अपने को सामने मिल गई है, बढ़िया। बीएनबी वैसे ओपन था, इसमें ना अलग अलग 3-4 जगह गेस्ट रह रहे हैं। जहाँ जहाँ से आए उन्होंने अपने नाम और वो लगा रखे हैं, अपने छोड़ गए हैं। बाकी देखिए अब अंदर से कैसा है। तो पूरा शैले स्टाइल वुडन। हाँ जी तो अंदर आ गए हैं। एक तो ये हो गया जी बेडरूम, ठीक है आपको वही साइज है। ठुड्डे बुड्ढे बजेंगे मतलब कुछ नहीं कर सकते। ये भी है, अभी इसकी रिक्वायरमेंट आई नहीं है। और इधर चल के देखते हैं किचन का क्या सीन है, क्योंकि भाई हम बड़ा ओवन पर रिलाई करके। ओह तेरे की माता जी ने आते ही अपना जो है किचन विचन में सेटिंग वेटिंग सामान फ्रिज व्रिज में रखना शुरू कर दिया है। और देखें बाकी बेडरूम क्या है। ये क्या है यार? अच्छा एक ये है सीन, सोफा कम बेड, और एक ये डॉर्मेट्री स्टाइल। वेरी गुड, बड़ा अच्छा लिविंग रूम बना हुआ है। मगर यहाँ से सुबह जो नज़ारा होगा भाई जी, लाउटर ब्राउन के चर्च का मजा ही आ जाएगा। ओ जी पास्तों की तैयारियां हो रही हैं, रज रज के। आपके बना रहे हो मम्मी? डिफरेंट टाइप फॉर एवरीवन। ओके ओके व्हाट आर यू मेकिंग मम्मी? चाय थाल मेरी। हाँ आप चाय लो, आपकी टांगे वांगे करते हैं थोड़ा। हो ये जी सेंटरा वाला पास्ता पकड़ा है, ये पकड़ा रक्षिता वाला, इसमें चीज है, इसमें थोड़ी स्पिनच भी है चीज के साथ। मम्मी ने जो है दाल की तैयारी कर ली है, बढ़िया। ये तो फूल फाल गए एकदम बढ़िया। हाँ पिज्जो का देखें क्या हो रहा है भाई। ओए होए जी मैडम का भी रेडी हो गया पास्ता पुस्ता जो भी है, पिज्जा ही बन गया गर्मा गर्म। क्या नजारा है और क्या हवा है। आंखें खोल के भाई साहब सुबह सुबह फ्रेश एनर्जी लेके लोग आने शुरू हो गए हैं। पार्किंग के साथ ही अपना इलाका ना ब्यूटीफुल। साइड वाली बालकनी से मम्मी को लेके चलेंगे हम। माता जी गुड मॉर्निंग देख लो अपनी। ओए, ओए। अंडे छील के आए हो उसके बाद आपने जरा माथा साफ किया होगा। बज गई घंटी, घंटी भी बजी थी। अरे मम्मी हर 15 मिनट में सुबह से 6 बजे से बज रहा है यार। मैं तो हेडफोन लगा के सोया हूँ ना, सुबह से बजी जा रहा है बजी जा रहा है। बस ये ड्रॉबैक है यहाँ सोने का, एक तो ये है कि सुबह सुबह इसकी घंटियां बज के उठाती हैं, दूसरा क्या है कि यहाँ पे इस तरफ ना ये बार है बेसिकली। ये रात को जो है ना लोग अपना दारू शारू पीते हुए खपची पा रहे थे, उनका शोर आ रहा है ना, बड़ी देर तक लोग गप्पे मारे। हाँ बस ये थोड़ा यहाँ का है। बड़े दिनों बाद आज मैं 9:30 बजे उठा, मम्मी लेट है। चलो नींद हो गई, थक। अच्छा हो गया, नींद बढ़िया हो गई, बहुत थक गए थे। मजा आ गया भैया, फील आ गई। 5-5 झरने तो यहाँ दिख रहे हैं। हाँ ये तो मेन हाईलाइट है यहाँ की, पता है यहाँ से ट्रॉली ऊपर जाती है जैसा सा पूरा ऊपर तक। चलते हैं अभी करते हैं एक्टिविटीज, घुमाता हूँ आज आपको बढ़िया। ये रहा अपना बीएनबी और ये आए मोटर होम। यार ऐसे अपना घूमने का मन था मगर मैंने ये देखा कि ये भाई ने भी जो है ना अपना मोटर होम यहाँ से बड़ी मुश्किल से घुमाया, छोटी छोटी, क्योंकि स्विट्जरलैंड के इस इलाके में तो सिंगल ही रोड है। बट अगला ले गया तो फिर हम भी ले ही जाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे फ्यूचर में। हो गया